हाउ मच वॉज द अक्यूमुलेटेड फंड? अक्यूमुलेटेड फंड क्या होता है? अक्यूमुलेटेड फंड दूसरा नाम है कैपिटल का, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो अब देखें ओपनिंग एक तो दिया हुआ है ट्रेड पेबल क्रेडिटर, ये लाइबिलिटी है, इसको माइनस कर दें। तो स्टार्ट करें हम -750 से, बैंक हमारे लिए एसेट है तो इसको क्या कर दें, प्लस कर दें। और सब्सक्रिप्शन ड्यू हमारे लिए एसेट है, इसका हम पैसे मांगते हैं किससे, मेंबर से, इसको प्लस कर दें। सब्सक्रिप्शन प्रीपेड का क्या मतलब, मेंबर ने एडवांस में पैसे दे दिए, हमारे लिए लाइबिलिटी है, इसको क्या करते हैं माइनस। इक्विपमेंट क्या है भाई, इक्विपमेंट हमारे लिए एसेट है तो इक्विपमेंट को प्लस कर दें। और लोन टू अ मेंबर, अच्छा लोन टू अ मेंबर, अगर आप देखें हमने लोन लिया नहीं है बल्कि लोन दिया है मेंबर को, तो बताओ आज नहीं तो कल उससे पैसे वापस मांगेंगे, बिल्कुल पैसे वापस मांगेंगे, तो उसको प्लस कर लो। तो देखें भाई फाइनल आंसर क्या आ रहा है, एक सेकंड में तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ, पहले पूरा कर लो। -750 +1870 +60 -40 +9500 और +500, तो फाइनल आंसर आ रहा है 1140, 1140, तो आंसर है डी। अच्छा भाई इस्माइल हुमायूं क्या पूछ रहे हैं भाई, सर व्हाई डू वी मेक करंट अकाउंट एंड व्हाई नॉट एडजस्ट इन कैपिटल अकाउंट इंस्टेड। सही, अच्छा सवाल है। वो कह रहा है भाई करंट अकाउंट बनाने की क्या तुक है और क्या मंतक है, क्या लॉजिक है, अगर डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ही प्रॉफिट वगैरह डालते हैं जैसे सोल ट्रेडर में डालते हैं। यार आपको पता है प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाता है, लॉस से कम हो जाता है, ड्रॉइंग से कम हो जाता है। प्रॉफिट लॉस ड्रॉइंग ये सारी चीजें हमारे कैपिटल को क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है, प्लस माइनस करती है। हम नहीं चाहते कि हमारा कैपिटल बार बार फ्लक्चुएट हो, क्यों, क्योंकि हमारा अकेले का बिजनेस नहीं है, दूसरा पार्टनर भी है। हम चाहते हैं हर वक्त हमें पता लगे कि किस पार्टनर ने कितने पैसे लगाए हुए हैं, सही है, और जिसने जितना कैपिटल लगाया हुआ है उसके हिसाब से हमने उसको इंटरेस्ट भी देना है, सही है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हर पार्टनर की हमें पोजीशन क्लियर हो कि किसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। इसीलिए जो चीजें कैपिटल को फ्लक्चुएट करती हैं उसको कैपिटल में रखने के बजाय हम एक नए अकाउंट में रख देंगे, और उसका नाम क्या होगा भाई, उसका नाम होगा करंट अकाउंट, सही है।